होना एक अलग बात है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को पहले समझेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़। नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से निकला है? ट्रेडिशनल बिजनेस से। जैसे कि ये जो फोन है, ये फोन कौन सा है? एंड्रॉयड फोन। एंड्रॉयड फोन से पहले कौन से फोन होते थे मार्केट में? कीपैड वाले फोन। तो इसका माई बाप कौन कहलाएगा? कीपैड वाला, वहीं से तो निकला है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का माई बाप कौन है? ट्रेडिशनल बिजनेस। कौन है जी? ट्रेडिशनल बिजनेस में और अपने बिजनेस में फर्क क्या है, उसको थोड़ा सा गहराई से जानेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी होती है, एक प्रोडक्ट होता है और वो प्रोडक्ट कस्टमर तक जाएगा। जैसे कि फेयर एंड लवली का प्रोडक्ट आपने देखा होगा, आया ना? ठीक है। और फेयर एंड लवली का प्रोडक्ट किसने बनाया? इस कंपनी ने बनाया। कितने का? फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का बनाया। 10 रुपये का आइटम, 10 रुपये का मार्जिन। भाई ध्यान से सुनो ना छोटू, 10 रुपये का आइटम, 10 रुपये का मार्जिन। अब कंपनी ने जो आइटम बनाया, सबसे पहले क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, केंद्र सरकार को तो टैक्स देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को, हरियाणा का टैक्स अलग, यूपी का टैक्स अलग, उसको टैक्स देना पड़ेगा। फिर इसको एक होलसेलर रखना पड़ेगा। फिर उसको रिटेलर को 10% मार्जिन देना पड़ेगा, सेल्समैन को 10% मार्जिन देना पड़ेगा। फिर किसी ऐड कंपनी से ऐड करवानी पड़ेगी, माधुरी दीक्षित सलमान खान। तो 30 से 40% हमें पैसा ऐड को देना पड़ता है और 10-10% पैसा इन चैनलों में बढ़ जाता है। तो 10 रुपये का आइटम कस्टमर को कितने का मिलता है जी? 100 रुपये का। ये तो बेली कंपनी की महंगी बोतल है। अगर नॉर्मल बोतल का पानी आप पीते हो तो बिसलरी बोतल आती है 20 रुपये की, ये 40 या 50 की होगी। वो जो 20 रुपये की बोतल आती है उसकी कस्टमर को कितने पैसे चुकाने पड़ते हैं? 20 रुपये। लेकिन एक्चुअली वो 20 की थोड़ा बनी होगी, 2 रुपये की बनी होगी, 3 की बनी होगी, 4 रुपये खर्चा आ गया, बाकी खर्चा कहाँ लग गया? इन चैनलों में लगा है ना। बिस्लरी की एड भी तो आती है या नहीं आती है? तो उस एड को पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा सर? तो ये जो चीज है, ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी। ये चीज समझ में आई सर आपको? 10 रुपये का आइटम कस्टमर को कितने का मिल रहा है जी? 100। आप पवन जी, सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? इसने, 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 किसने कमाया? इनमें से। हाँ जी, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? ऐड देने वाले। इसका माध्यम 30 से 40% है। हाँ जी। इनका 10-10% है। हाँ जी। तो सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? हाँ जी, इसने कमाया। फौजी साहब ने ऐसे दिखाया था आपको कभी? अगर आप दिखाया आप लोगों को? नहीं दिखाया। चलो आप देखो, सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? कंपनी ने कमाया। किसने कमाया जी? अगर फेयर एंड लवली की एड अगर किसी सेलिब्रिटी ने करी, किसने करी थी? सेलिब्रिटी। तो वो सेलिब्रिटी तो एक एड का पैसा एक ही बार तो लेगी, हो बार बार थोड़ा लेगी हो, उसका तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है ना। मैं सलमान खान, मैंने एक ऐड कर दी, मैंने ऐड तो एक ही बार की, मेरी वीडियो तो चल रही है बार बार, तो मेरे को तो पैसा एक ही बार मिलेगा यार। 1 साल का 2 साल का 5 साल का जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बार बार पैसा कौन कमा रहा है? कंपनी जिसने बनाया उसको। ठीक है, अब भारत देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, मैं 130 मान लेता हूँ। तो 130 में से 10% आदमी तो ऐसे होंगे जो हर रोज हर महीने एक फेयर एंड लवली की ट्यूब खरीदते होंगे। भाई गांव में 100 घर हैं, 100 में से क्या 10 घरों में फेयर एंड लवली यूज नहीं होती? 100 में से 10 घर में तो यूज हो रही होगी। तो 13 करोड़ लोग अगर हर महीने एक ट्यूब खरीदें तो एक ट्यूब पे मार्जिन कितना कंपनी को? 10 रुपये। तो 13 करोड़ गुना में 10, तो हर महीने कंपनी ने कितना पैसा कमाया? कितना कमाया? 130 करोड़। तो इन सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? कंपनी। लेकिन कंपनी ऑलरेडी किस इंसान ने खोली है? अमीर ने। क्योंकि गरीब आदमी तो कंपनी खोल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि एक अमीर आदमी ने और पैसे लगा करके और अमीर बनने का धंधा ढूंढ लिया। लेकिन गरीब आदमी ने क्या किया? गरीब आदमी इस अमीर आदमी की फैक्ट्री में जाता है और मजदूरी का काम करता है, पैकिंग का काम करेगा, बेचने का काम करेगा, वो अमीर नहीं बन सकता। इसी समझ में नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या बोला कि मैं एक गरीब को
अमीर बनाने का काम करूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा क्या है कि मैं गरीब को अमीर बनाने का, इसको समझाओ यार, तुम गेट बजा ले यार, इतना इतनी खतरनाक बात लगा रहा है। नेटवर्क लगा दो तो इतने ऐसे मत, ठीक है। तो गरीब को अमीर बनाने का काम ये कर रही है लखनऊ से, मैं नहीं लूंगा अभी तो। गरीब को अमीर बनाने का काम कौन करेगी? नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसने 1959 में जन्म लिया सर, आप लोग जानेंगे, आप लोग मेरे साथ अपनी चाय भी चलेगी, बिस्कुट भी चलेगी, नमकीन भी चलेगी, आप लोगों ने चाय भी लेगी, एक कॉफी भी खाती है, मैं एक बार नहीं खाती।